वालेकुम। आज मेरे घर बन रहा है नूडल्स। बच्चों ने बोला है कि नूडल्स बनाइए। वो दो तीन दिन से बोल रहे थे कि नूडल्स बना दीजिए। आज फाइनली वो दिन आ गया नूडल्स बनाने का, और बच्चे काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसमें पानी डाला है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक सिर्फ ऐड करा है, और उसके बाद जो नूडल्स थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं। और इसे मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते, और उसके बाद फिर हम इसे छान लेंगे। मैंने इसमें डालने के लिए वेजिटेबल लिए हैं, ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, और आप इसमें चाहें तो और भी जो है वेजिटेबल डाल सकते हैं। इधर हमारी चाय भी हो रही है और नूडल्स के साथ मैंने चाय भी रख दी है, और इसके साथ ही मैं चाय भी निकाल लूँगी। इसको जब तक पकाना है जब तक इसका पानी थोड़ा सूख नहीं जाता है, थोड़ा सा कम हो जाए। और जो प्याज का पानी होता है वही होता है, टमाटर का भी है इसमें। और इसमें इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। उसके बाद फिर मैंने सोया सॉस ऐड करा है। और उसके बाद ये मैंने विनेगर डाला है, वाइट सिरका है ये। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड करी है। ग्रीन चिली से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है और थोड़ा तीखापन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने ऐड करा है।
चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।